बच्चों, आज हम लोग शौर्य और ओज के कवि भूषण जी के जीवन चरित्र और उनकी रचनाओं के वैशिष्ट पर अध्ययन अध्यापन करेंगे। कविवर भूषण का जीवन परिचय के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु फिर भी इनका जन्म 1613 ईस्वी में कानपुर जिले में हुआ था। इनके पिता रत्नाकर त्रिपाठी थे और इनके बचपन का नाम घनश्याम त्रिपाठी था। अंग्रेजों के जमाने में ही इनके पूर्वज टिकवापुर गांव को छोड़ करके संजेती नामक कस्बा जो कानपुर ज़िले में अवस्थित है आकर के बस गए थे। आज भी उनके वंशज यहीं संजेती में रहते हैं और टिकवापुर में अभी भी उनके पूर्वजों की जमीन जायदाद है। वहीं पर इनके परिवार की कुल देवी हैं और प्रत्येक छोटे मोटे त्योहारों पर उनकी पूजा अर्चना करने इनके परिवार के लोग आज भी वहां जाते हैं। कभी भूषण का पालन पोषण कई एक राजदरबारों में हुआ है और इनके जीवन का अधिकांश समय उधर चित्रकूट रीवा और बाद में छत्रसाल मध्य प्रदेश और महाराज शिवाजी के राज्य में बीता है। भूषण इनका नाम नहीं है, भूषण तो इनकी उपाधि है जो उन्हें चित्रकूट के राजा हृदयराम के पुत्र रुद्र शाह ने दी थी। एक दोहे में इसका उल्लेख भी मिलता है, कुल सुलंकी चित्रकूट पति साहसशील समुद्र कवि भूषण पदवी दई हृदयराम सुतरुद्र। कहा जाता है कि भूषण कवि मतिराम और चिंतामणि के भाई थे। एक दिन भाभी के ताना देने पर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और आश्रम में चले गए, जहां इन्हें आश्रय प्राप्त हुआ और शिवाजी के आश्रय में ये जीवन पर्यंत बने रहे। पन्ना नरेश छत्रसाल से भी भूषण का काफ़ी निकट का संबंध रहा। वास्तव में भूषण केवल शिवाजी और छत्रसाल इन दो राजाओं के ही सच्चे प्रशंसक थे। उन्होंने स्वयं ही ये स्वीकार किया है
और राव राजा एक, मन में न ल्याऊं अब साहू को सराहूं सराहूं छत्रसाल को। अंत में शौर्य और ओज तथा वीर रस की कविताओं का प्रचार प्रसार करते हुए अंततः सन 1705 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी रचना संसार के बारे में जब हम विचार करते हैं तो ये ध्यान में आता है कि भूषण ने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा, लेकिन फिर भी जो लिखा वो इनको अमर बनाने के लिए पर्याप्त था। इनकी प्रमुख ग्रंथ हैं शिवराज भूषण, शिववाणी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, दूषणोल्लासा। परंतु इनमें शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक व शिवा बावनी ही उपलब्ध है। शिवराज भूषण में अलंकार, छत्रसाल दशक में छत्रसाल बुंदेला के पराक्रम, दानशीलता व शिवा बावनी में शिवाजी के गुणों का वर्णन मिलता है। शिवराज भूषण एक विशालकाय ग्रंथ है जिसमें 385 पद हैं। शिवा बावनी में 52 कविताओं का संग्रह है जिसमें शिवाजी के शौर्य पराक्रम और ओज का वर्णन है। छत्रसाल दशक में केवल 10 कविताओं के अंदर ही बुंदेला वीर छत्रसाल के शौर्य का वर्णन किया गया है। इनकी संपूर्ण कविताएं वीर रस और ओज गुणों से ओतप्रोत हैं, जिसके नायक शिवाजी हैं और खलनायक औरंगजेब। औरंगजेब के प्रति उनका जातीय वैमनस्य न होकर शासक के रूप में उसकी अनीतियों का इन्होंने भरपूर विरोध किया। और औरंगजेब के अत्याचार, व्यभिचार और उसकी अनीति के खिलाफ इन्होंने जनता के बीच में शंखनाद किया। उससे हतोत्साहित और मुर्दा इंसानों में भी उत्साह की लहर दौड़ गई। इनकी काव्यगत विशेषताएं वीर रस में रची उनकी रचनाओं की मूल संवेदना जातीय गौरव, शौर्य वर्णन और संवेदना की वीर प्रशस्ति ही है। जैसा कि आप जानते हैं उस समय औरंगजेब के अत्याचारों से जब देश की जनता कराह रही थी, उसी समय में भूषण ने उस अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई और निराश हिंदू जन समुदाय में आशा का संचार किया। उन्होंने अपने काव्य नायक शिवाजी व छत्रसाल को चुना। शिवाजी की वीरता के विषय में भूषण ने लिखा भी है, भूषण भनत महावीर बलकन लागो सारी पातशाही के उड़ान गए जिए रे, तमके के लाल मुख शिवा को निरख भय स्याहा मुख
नौरंग सिपाह मुख पियरे। इन्होंने शिवाजी की युद्ध वीरता, दान वीरता, दयाशीलता व धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा का वर्णन बखूबी किया है। भूषण के काव्य में उत्साह व शक्ति भरी हुई है। इन्होंने जनमानस की भावनाओं को अपनी ओजमयी भाषा में जीवित किया है। भूषण के काव्य में सर्वत्र उदारता और दानशीलता का भी वर्णन देखने को मिलता है। और ये पहले कवि थे जिस समय लोग ब्रजभाषा में केवल श्रृंगार और भक्ति रस की कविताओं का ही उल्लेख मिलता है, लेकिन ब्रजभाषा में पहली बार वीर रस की प्रशस्ति का गायन करने वाले भूषण ही रीतकाल के प्रमुख स्तंभ बन गए। भूषण ने मुत्तक शैली में काव्य की रचना की है। उन्होंने अलंकारों का भी बढ़िया प्रयोग किया है। कवित्व व सवैया छंद का प्रयोग करते हुए आपने अपनी बहुमुखी काव्य प्रतिभा का उल्लेख किया है। अतः हम कह सकते हैं कि भूषण वीर रस के श्रेष्ठतम कवियों में से एक हैं। इनमें शिवाजी और छत्रसाल के शौर्य साहस, प्रभाव व पराक्रम, तेज व ओज का जो जीवंत वर्णन अपनी रचनाओं में किया है वो इनको बाकी कवियों और कविता संसार से अलग पहचान दिलाता है। इतिहास की और पुराणों की सहायता लेते हुए, या ये कहें कि अपने काव्य का आधार बनाते हुए इनकी कविताएं आज सांस्कृतिक गौरव का गान करने में समर्थ है। भूषण की कविताओं की वीर भावना का वर्णन बहुआयामी है। इसे हम युद्ध मूलक, धर्म मूलक, दान मूलक, स्तुति मूलक आदि रूपों में भी देख सकते हैं। इन्होंने अपनी कविताओं में युद्ध का भी सजीव चित्रण किया है। युद्ध के समय सैनिकों और सेना में उत्साह संचार करने के लिए युद्ध के बाजों के बीच में इन्होंने घोर गर्जना और रणभूमि में घात प्रतिघात शूरवीरों का पराक्रम और कायरों की भावपूर्ण स्थिति आदि दृश्यों को चित्रित करते हुए बड़े ही प्रभावशाली से ढंग से उनको प्राणोत्सर्ग करने के लिए विवश कर दिया। एक उदाहरण देखिए, जैसे इनकी कविता का, साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी सर, जा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नादन
बेहद नगारन के नदी नद मद गैवरन के रलत है। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल गजन की रेल पेल शैली उसलत है। तारा सो तरण धूर धारा में लगत जिम्ब धारा पर पारा पारा बार यूं हलत है। इसमें इतना बढ़िया अलंकारिक ढंग से वर्णन करते हुए जब शिवाजी की चतुरंगिणी सेना को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं तो औरंगजेब की सेना के छक्के छूट जाते हैं और धर्ममूलक कविताओं की भी रचना करते हुए इन्होंने आगे लिखा है कि वेद राखे विदित पुराण राखे सारयुत राम नाम राखे वति रसना सुधार में हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहिन की कांधे में जनेऊ राखो माला राखी गार में। और इन्होंने उनकी उदारता का भी वर्णन किया है। भाषा के संबंध में जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ये जिस समय सारे लोग श्रृंगार और प्रेम और रीतकालीन की रचनाओं के अनेकानेक छंद रच रहे थे उस समय इनकी भाषा ब्रज भाषा में अपने वीर रस को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाले भूषण पहले कवि हैं। भूषण की ब्रज भाषा में उर्दू अरबी फारसी आदि भाषाओं के शब्दों की भी भरमार है। जंग आफ्ताब फौज आदि शब्द अरबी फारसी के जिनका इन्होंने खुलकर के प्रयोग किया है, लेकिन ये शब्दों का चयन रचना को और अधिक गरिमा और प्रवाह प्रदान करते हैं। व्याकरण की अव्यवस्था शब्दों को तोड़ मरोड़ वाक्य विन्यास की गड़बड़ी आदि के होते हुए भी भूषण की भाषा बड़ी ही सशक्त और प्रवाहपूर्ण है। संस्कृत और अपभ्रंश के शब्द प्रयुक्त होने से वो कुछ क्लिष्ट अवश्य हो गई है। इनकी शैली के बारे में कहा गया है कि वीर रस की व्यंजना के लिए इनकी ओजपूर्ण शैली सर्वथा उपयुक्त है, जिसमें प्रभावोत्पादकता सजीवता और सरसता इनकी रचनाओं का वैशिष्ट है। वीर के साथ साथ रौद्र रस भयानक बीभत्स आदि का भी प्रयोग इनकी रचनाओं में हुआ है। और अलंकारों का प्रयोग जितने ढंग बढ़िया ढंग से भूषण ने किया है वो शायद ही अन्यत्र देखने को मिले। यमक अलंकार का एक उदाहरण अवलोकनीय है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। कंदमूल भोग करें कंदमूल भोग करें तीन बेर खाती ते वे तीन बेर खाती हैं। भूषण शिथिल अंग विजन डुलाती ते वे विजन डुलाती हैं। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास नग्न जड़ाती ते वे नग्न जड़ाती हैं। यानी इतना बढ़िया वर्णन अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है।
तीन बेर खाती, तीन बेर खाती हैं, जो दिन भर में तीन बार भोजन करती थीं, आज केवल तीन छोटे छोटे बेर जो फल होते हैं उनसे अपना काम चला रही, उनसे अपनी भूख मिटा रही हैं। जिनके अंग आभूषणों के बोझ से शिथिल हो जाते थे, वो आज उनके अंग भोजन के अभाव में थरथरा रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। और जिन महारानियों पर कभी पंखा डुलाने के लिए परिचारिकाएं रखी जाती थीं, आज वो बन बन में डोल रही हैं, घूम रही हैं। जिनके आभूषणों में कभी नंगीने और मोती जड़े जाते थे, वो आज निर्वस्त्र या वस्त्रों के अभाव में ठंड से ठिठुर करके कांप रही हैं। इस प्रकार का दोहरा अर्थ वाला एमक अलंकार काफ़ी बढ़िया ढंग से प्रयुक्त हुआ है। साहित्य में भूषण का स्थान जो इनका स्व अर्जित है, और रीत काल के कवियों में वीर रस का इनसे बढ़िया वर्णन करने वाला कोई दूसरा कवि दिखाई नहीं पड़ता। जब बाकी लोग हास विलास की रचनाओं में डूबे हुए थे, तो इन्होंने राष्ट्रीय भावना को प्रमुखता प्रदान की और अपने काव्य द्वारा समकालीन असहाय हिंदू समाज की वीरता का पाठ पढ़ाया और उसके समक्ष उसके आत्म उत्साह की प्रस्तुति के माध्यम से उसको प्रेरित किया। इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि एक कवि जो अपने जीवन भर अपनी रचनाओं के माध्यम से भारत की जनता को उनके शत्रुओं को पराजित करने के लिए प्रेरित करता रहा और अंततोगत्वा साहित्य सृजन करते हुए अब स्वयं को भी भारत माता के चरणों में समर्पित कर दिया। बच्चों, भूषण जी के बारे में जब कभी इनकी रचनाओं को हम लोग पढ़ेंगे, तो उस समय हम लोग इनके अलग अलग अलंकारों के प्रयोग का और छंदों की योजना रस और व्यंजना के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। आज के लिए मैं समझता हूँ कि इतना पर्याप्त होगा, और आप लोगों ने काफ़ी आग्रह किया था कि भूषण के बारे में भी सर चर्चा की जाए, तो हमने गागर में सागर समेटने की ये अथक चेष्टा की है। भूषण के बारे में जो भी कहा और लिखा जाए वो थोड़ा है, खास करके नैराश्य के अवस्था में इनकी कविताओं ने जो संचार किया और लोगों को, छत्रसाल को, शिवाजी को औरंगजेब से लोहा लेने के लिए विवश किया और सैनिकों को प्रोत्साहित किया, इसके लिए इनकी राष्ट्रीय चेतना की कविताओं का समाज सदैव ऋणी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।